इसी तरह से बिल्कुल आसानी से आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप आसानी से अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सके। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस जीमेल ऐप को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करने के बाद आप जिस भी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इस मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ अपने जीमेल आईडी का सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ ऊपर थोड़ा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ से इस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ से पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ अपना वो पासवर्ड डालना है जो आपके इस ईमेल आईडी का मौजूदा पासवर्ड है, यानी अभी जो आपके इस ईमेल आईडी का पासवर्ड है आपको यहाँ उस पासवर्ड को डाल देना है। हो सकता है आपको अपना पासवर्ड याद न हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को कैसे पता करते हैं। फिलहाल यहाँ हम अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज करने आए हैं, तो हमको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है। यहाँ हम अपने पासवर्ड को डाल देते हैं। अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को डालने के बाद आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ से नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसके साथ साथ थोड़ा स्ट्रांग भी। यहाँ पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे इस कंफर्म न्यू पासवर्ड में भी सेम यही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने यहाँ ऊपर डाला है। दोनों में सेम पासवर्ड डालने के बाद आपको इस चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। आपको यहाँ भी चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही आपका ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इस नए पासवर्ड को डालकर अपने ईमेल आईडी को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।